जयपुर के चर्चित डबल मर्डर केस की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। श्वेता और उसके मासूम बेटे की हत्या का मास्टरमाइंड श्वेता का पति रोहित तिवारी ही निकला, जिसने सुपारी किलर के जरिए हत्या करवाई थी। भरोसे के कत्ल की हैरान कर देने वाली इस मर्डर मिस्ट्री में फिरौती और अपहरण की भी झूठी साजिश रची गई थी। ये रिपोर्ट देखिए आप। जयपुर की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री का खुलासा, पति ने ही कराई पत्नी और बच्चे की हत्या, भरोसे के कत्ल की सबसे बड़ी साजिश। जयपुर के प्रताप नगर में हुई डबल मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी का जब पुलिस ने खुलासा किया तो भरोसे के कत्ल की सबसे बड़ी साजिश की कहानी सुनकर हर कोई दंग रह गया। सर, किस तरह से ये योजना उन लोगों ने बनाई और किस तरह से फिर आपने पर्दाफाश किया? देखिए, ये योजना जो थी बहुत पहले से हैच की गई थी, जो इस टाइम अगर त्वरित देखें तो ये 22 दिसंबर से पुलिस मन रही है इस योजना का पटाक्षेप किया गया, परंतु इनकी जो शादी थी जो 2011-24 जनवरी को हुई थी तो उसी दिन से इन लोगों के संबंध जो थे आपस में खिंचे हुए थे। पुलिस के शिकंजे में खड़े इस हैवान को देखिए, यही है वो हैवान जिसने मामूली अनबन में न केवल पत्नी की बेरहमी से हत्या करवा दी बल्कि 21 महीने के मासूम बेटे को मौत के घाट उतरवा दिया। कत्ल की इस कहानी से पुलिस ने पर्दा उठाया तो सामने आए कई चौंकाने वाले राज। और इसके दिमाग में ये था कि पत्नी के साथ साथ मैं बच्चे से भी छुटकारा पाऊंगा, ताकि मैं इस सबसे स्मार्टली इस क्राइम को करने के बाद में ये चीज अपहरण के रूप में इसकी शक्ल दे करके मैं बच जाऊंगा, और बच जाने के बाद में जैसा कि वो खुद कहता है कि साहब मैं फिर से घर बसाऊंगा और नई जिंदगी शुरू करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट किलर को दी सुपारी। इस शैतान ने अपने दोस्त के साले सौरभ तिवारी को पत्नी और बच्चे को मारने की सुपारी दी। इस हत्या में रोहित तिवारी का नाम पुलिस की जांच में नहीं आए, इसलिए बेटे के अपहरण और फिरौती की साजिश रची गई। मोटिव इस क्राइम का ये था कि वो अपनी पत्नी से और बच्चे से जो विवाद था उसकी वजह से छुटकारा पाना चाहता था। करने का तरीका, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कराई उसने, अपने किसी परिचित को कॉन्ट्रैक्ट दिया इस काम के लिए। पुलिस को उलझाने के लिए सौरभ चौधरी ने उसके मोबाइल पर मैसेज भेजकर फिरौती की मांग की, जिससे कि पुलिस को हत्या के मामले में पति रोहित तिवारी पर शक ना हो। लेकिन इस हैवान की चालाकी पुलिस के सामने नहीं टिक पाई। रेयरली देखने को और इस तरीके से था कि इस तरीके से कोई करा सकता है, लेकिन इसका जवाब इसने ये खुद ही देता है। जब हमने इससे पूछा कि साहब मैंने ये सोचा कि मैं अपनी पूरी बैक हिस्ट्री को ही डिलीट मार दूं। खास बात यह है कि कुछ दिन पहले ही श्वेता तिवारी ने अपने पति से विवाद की शिकायत माँ बाप से भी की थी। यही वजह कि माँ बाप को शुरू से ही अपने दामाद पर शक था। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया, इनसे आगे की पूछताछ की जाएगी, जिसमें कहा जा सकता है कि कई और नई चीजें निकलकर सामने आ सकती है। कैमरा पर्सन देव के साथ।